हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिक्योर टेल्स। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एपिक्योर टेल्स में एक नए वीडियो के साथ। आज हम फिश फ्राई करेंगे क्रिस्पी तरीके से, एकदम यमी। सो देखते हैं कि कैसे हम इसे फ्राई करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फ़िश जो मैंने ली है बनाने के लिए, इसका नाम है डोमा फ़िश। शायद आप में से कुछ लोग पहचान गए होंगे, और अगर आप लोग नहीं पहचाने हैं तो अब देखिए, अब आप ज़रूर पहचान गए होंगे। जी हाँ, ये डोमा फिश है। अब हम देखते हैं इसे कैसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। फ़िश को फ्राई करने से पहले उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना और अच्छी तरीके से उसे धोना बहुत ज़रूरी है, और ये सबसे डिफ़िकल्ट काम भी होता है, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं इसे किस तरीके से साफ़ कर रही हूँ। उस तरीके से आपको इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है, और अगर आपने इसे अच्छे से साफ़ किया है तो आपको इसका खाने का मज़ा ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें जो स्मेल होती है एक अलग तरीके की, वो नहीं रह जाएगी अगर आप इसे अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं तो। और इसमें जो कड़वाहट आने के चांस हैं अगर आप इसे साफ़ ना कर सके ठीक से, तो वो भी चली जाएगी। और ये देखिए, इसका जो फेस का पार्ट है, जो मुंह के साइड का पार्ट है, उसे हमें बहुत अच्छे से निकालना है, साफ़ करना है। ये जो फ़िश है, डोमा फ़िश जो है, वो स्केल वाली फ़िश है। यानी ये जो फ़िश है उसे हम कह सकते हैं, स्केल कहते हैं, सिन्हा कहते हैं, या फिर कोई कोई लोग इसे कवला कहते हैं शायद, तो इस वो ऐसी वाले फ़िश है। तो ये हम प्रॉपर क्लीन करने के बाद वो भी हम निकाल के आपको दिखाएंगे। फ़िश की एक चीज़ ये होती है कि बहुत सारे लोग, यानी कहा जाता है कि अच्छा होगा कि आप फ़िश वो मंथ में ना खाएं, वो महीने में ना खाएं जिस महीने में आर नहीं आता। जैसे कि जून में आर नहीं आता, जून की स्पेलिंग में, जैसे कि मई में आर नहीं आता, जुलाई में आर नहीं आता, अगस्त में आर नहीं आता। तो जो जो महीने में आर नहीं आता, उस महीने में अगर आप फ़िश खाना अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे तो आप फ़िश खा सकते हैं, क्योंकि फ़िश एक ऐसी चीज़ है जिसमें वाकई में बहुत ही ताकत। और ये मैं साफ़ कर रही हूँ, ये जो उसकी स्केल्स है, जिसे आप कवला कहते हैं या फिर आप इसे सिन्हा कहते हैं, तो ये जो चीज़ है ये मैं बहुत अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है। ये मैं नाइफ़ यूज़ करके इसलिए नहीं साफ़ कर रही हूँ कि उसकी स्किन जो है वो बाहर आ जाएगी, तो इस तरीके से हाथ से इसे साफ़ किया हुआ है। उसे मैंने फिर पानी में डाल दिया, और पानी में डालने के बाद इसे आप हल्का नमक और आटे से साफ़ करेंगे तो ये देखिए, ये एकदम अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। पानी में थोड़ा हल्का नमक और आटा डालिए और उसे अच्छे से घिस के साफ़ करिए। अब इसका पेस्ट बना लेते हैं, जो बहुत ही सिंपल है। इसको आप बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, ये मैंने सबसे सिंपल तरीके से बनाया है। तो ये मैंने पहले रेड चिल्ली पाउडर ले लिया है, लाल मिर्ची का पाउडर 3 चम्मच ले लिया है। आप जिस हिसाब से तीखा खाते हो उस हिसाब से आप उतना लाल मिर्ची का पाउडर ले सकते हैं। फिर मैंने इसमें ले लिया है हल्दी 2 चम्मच। हल्दी डालने के बाद अब इसके बाद हम लेंगे धनिया पाउडर। सो हल्दी ये हो गई हमारी, अब हम लेते हैं धनिया पाउडर, वो भी हम 2 ही चम्मच ले लेंगे। ये मैंने ले लिया 2 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर 2 चम्मच होने के बाद अब हमें लेना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट आप देख सकते हैं, ज़्यादा मैंने पतला नहीं लिया, थोड़ा गाढ़ा रखना है इसको। और उसके बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने से पहले थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ लेंगे। ये देखिए, मैंने आधा नींबू ले लिया है, आधे नींबू का रस मैंने निचोड़ लिया है, आधे से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ये जो पेस्ट है हम उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, नमक आपको अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। तो ये मैंने नमक ऐड कर दिया इसमें, और अब हम इसे जब मिक्स करेंगे तो हम हल्का पानी, बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, बीच बीच में जहाँ हमें ज़रूरत लगेगी वहाँ हम इसमें पानी डालते रहेंगे, और हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे।
हमारा पेस्ट तैयार। अब इसको थोड़ा क्रिस्पी करने के लिए हम भुट्टे का आटा यानी कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं। अगर आपके पास घर में कॉर्नफ्लावर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी बदली आप चावल का आटा भी पीस के डाल सकते हैं। बस इसका डालने का मकसद ये है कि ये आपकी फ़िश को बहुत ही क्रिस्पी बना देता है। ये कॉर्नफ्लावर यानी भुट्टे का आटा या फिर चावल का आटा आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं, जिस हिसाब से मसाला हो। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, वरना बहुत ज़्यादा आपकी जो मछली है, जो फिश है, वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी। इसीलिए आपको अंदाजे से लेना है। मैंने एक मुट्ठी यानी एक कप, छोटा बोल के हिसाब से ले लिया है। अब इसे अच्छे से पानी थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये जो पेस्ट हमारा है वो बहुत पतला अगर हो जाएगा तो फिर फिश फ्राई करने के लिए आपको नहीं होगा ठीक तरीके से। इसीलिए आपको एकदम थिक भी नहीं करना है और एकदम पतला भी नहीं करना है। तो उस हिसाब से आपको, जितना आप देख रहे हैं मेरे पेस्ट जो है उसकी जो थिकनेस है वीडियो में, उतना ही आपको रखना है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। अब ये मसाला हमारा ठीक तरीके से हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके फिश को अच्छे से मसाला लगा देंगे और फिर उसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे, ताकि पूरी तरीके से फिश के अंदर, मछली के अंदर पूरी तरीके से मसाला जो है वो अच्छे से मिल जाए। अभी हमने इसको अच्छी तरीके से, ये आप देख सकते हैं वीडियो में, एक मछली को मैंने लगाया है। ये अब इसी तरीके से जितनी मछली है उसमें मैं पूरी तरीके से अंदर भी और बाहर भी पूरी तरीके से मसाला एक एक करके लगा दूंगी। और इसको ढक के साइड में आपको रख देना है कुछ देर के लिए। उसके बाद हम इसे फ्राई करने के लिए, ये रेडी हो जाएगी। मैंने 20 मिनट तक साइड में रख दिया था मसाला लगाने के बाद। आप देख सकते हैं अब ये फ्राई करने के लिए एकदम रेडी हो गई है। तो मैंने इसे डीप फ्राई कर लिया है। तेल, एक कढ़ाई ली है, उस पर तेल डाल के अब मैं इसे वन बाय वन करके डीप फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई ना करके, आपके पास अगर तवा है तो आप तवे पे इसे शेलो फ्राई कर सकते हैं आप। करते टाइम आपको हल्के हाथ से इसे इस तरीके से टर्न करते रहना है। और इस तरीके से हमें अब इसी की प्लेटिंग कर लेनी है। अब हमारी फिश जो है वो तैयार हो गई। अब आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी लग रही है और उतनी ही ये खाने में भी अच्छी लगती है। तो बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है। आइए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये खाने के लिए एकदम तैयार है। और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और तब तक के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए एपिक्योर टेल्स में। बाय बाय, टेक केयर।